रहमान रहीम आज का जो टॉपिक है जी ये है हमारा टेंथ कंप्यूटर जो कि जी डब्ल्यू बेसिक है इसका जो अभी सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है इसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट ने एक रिड्यूस्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस करा दिया है तो उसके ऊपर जो है वो हर चैप्टर के यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि जो बोर्ड की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सिलेबस दिया है इसको आप एक तो नोट डाउन कर लीजिए और सारों के लेक्चर्स आपको जो है वो अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे मैं लास्ट पे इसको जो है वो यहाँ पे आई बटन में या उसको जो है वो एंड पे मैं शो कर देता हूँ वो सारे के सारे कंप्लीट लेक्चर हैं जी डब्ल्यू बी के वो आपको वहाँ से देख लेने हैं तो इसमें जो पहला चैप्टर में से क्वेश्चन आपने करने हैं वो लिस्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी एक जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन एल्गोरिदम ड्रॉ फ्लो चार्ट इसी तरीके से राइट प्रोग्राम यानी उसकी कोडिंग टेस्ट डी और प्रोग्राम टेस्ट एंड डी बग द प्रोग्राम यानी प्रोग्राम को टेस्ट करना उसको डी करना ये उसने पेज नंबर भी आगे दिया हुआ है ये बुक के अकॉर्डिंगली है एलगोरिधम पेज नंबर फोर पर है स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपिंग एलगोरिदम पेज फोर एंड फाइव के ऊपर प्रॉब्लम टू पेज सिक्स पर जो दी गई है और फ्लो चार्ट जो पेज एट और नाइन पर दिया गया है क्लास वर्क और जो होमवर्क है इनफैक्ट ये भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने कर लेने हैं ये है पहला चैप्टर इसमें से ये सेलेक्टिव चीज़ें जो है वो आपने करनी है और जो दूसरा है यूनिट दूसरा चैप्टर उसमें डेटा टाइप्स असाइनमेंट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं इसमें भी इसी तरीके से इंट्रोडक्शन जो पेज नंबर थर्टीन पर है राइटिंग प्रोग्राम इन द जी डब्ल्यू क्रिएट सेव प्रोग्राम लोड प्रोग्राम एक्जीक्यूट द प्रोग्राम पेज फोर्टीन फिफ्टीन पर स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम रिजर्व वर्ड्स आपके पास इसी तरीके से वेरिएबल्स रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो कि पेज सत्रह अठारह पर है कॉन्स्टेंट जो कि पेज अठारह उन्नीस पर है बेसिक कमांड्स ऑटो एडिट लिस्ट लोड रन सेव सिस्टम ये इन पेज पर दी गई हैं बेसिक स्टेटमेंट जो कि एंड स्टेटमेंट और रैम स्टेटमेंट जो कि रिमार्क स्टेटमेंट होती है ऑपरेटर्स इन द बेसिक इसी तरीके से बेसिक स्टेटमेंट जैसे रीड डेटा इनपुट प्रिंट और ये होमवर्क और क्लास वर्क ये आपने एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चन है जो देख लेने हैं तीसरा अगर देखा जाए तो उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसका इंट्रोडक्शन जो पेज फोर्टी पर है और सिलेक्शन स्ट्रक्चर 45, 48 लूप्स के बारे में और ये नीचे कुछ होमवर्क और क्लास वर्क है ये तीसरा चैप्टर है कंट्रोल स्ट्रक्चर पर कंप्लीट चैप्टर जिसके अपडेटेड है लास्ट में मैं उसको आपको बता देता हूँ चौथा जो यूनिट है इसके अंदर अरे के बारे में है इसमें आपने अरे क्या होता है यानी फिफ्टी और फिफ्टी पेज फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे चौवन और पचपन पे टाइप्स ऑफ अरे और क्लास वर्क और होमवर्क ये आपने नोट डाउन कर लेना है पेज नंबर आगे गिवन है पांचवा चैप्टर जो कि सब प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग पर है इसमें इंट्रोडक्शन पेज सिक्सटी वन का इन फंक्शन जिसमें ये बिल्ट इन फंक्शन है ए बी एस है इंट है आर एंड डी है लॉग है डेट है वैल्यू फंक्शन है या मिड डॉलर फंक्शन राइट फंक्शन ये सी एच आर फंक्शन ये वाले जो हैं ये सिर्फ यही करने हैं बाकी और नहीं करने हैं और इसी तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्लास वर्क और होमवर्क का ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी और छठा जो चैप्टर है इसमें जो कि ग्राफिक्स एंड बेसिक हैं इसमें इंट्रोडक्शन स्क्रीन स्टेटमेंट इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो जो है मौजूद है पी सेट स्टेटमेंट लाइन सर्कल ड्रॉ स्टेटमेंट ये आपने कर लेना है और क्लास वर्क ये सातवां जो चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर है ये मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूडेड है इसको करने की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल एक ब्रीफ सी शॉर्ट सी एक वीडियो थी लास्ट में मैं आपको जो है वो आ, इसके लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आई बटन में भी प्रॉब्लम मैं इसका यहाँ पर लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से क्लिक करके सामने स्क्रीन पर जो आ रही है वीडियोज वहाँ से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं बाकी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और अपनी राय से हमें भी आगा कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप करते डिसलाइक और वीडियो देखने का शुक्रिया